नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और एक बार फिर से आजसु विधायक लंबोदर महतो सदन के बाहर बैठे हैं। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति तो है ही, आज कुर्मी को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मांग को भी लेकर के बैठे हैं। आज दो मुद्दों के साथ आप सदन के बाहर बैठे हैं। बिल्कुल, मूल मुद्दा 1932 का खतियान है। निश्चित रूप से सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। यही कारण है कि सदन के आश्वासन के बावजूद भी एक डेग आगे सरकार नहीं बढ़ पाई है। तो लगातार हम लोग इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 14 अप्रैल को भी हम लोगों ने जेल भरो अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके साथ ही 23 नवंबर 2004 को सरकार ने जो कैबिनेट का निर्णय लेके केंद्र सरकार को भेजा था कि यहाँ की कुर्मी, घटवार और तेली जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे, ये निर्णय भी अभी ठंडे बस्ते में है। सरकार से आग्रह है कि फिर से इस मामले को केंद्र सरकार को भेजें और यहाँ की कुर्मी जाति को, तेली जाति को और घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करें। पंचायत चुनाव भी है और OBC आरक्षण के बिना ये पंचायत चुनाव भी होनी है, लेकिन अब इस जाति को भी अनुसूचित जाति के में शामिल करने की आप मांग कर रहे हैं, तो कैसे, क्या क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो कि पंचायत चुनाव में सरकार जो निर्णय ले जा रही है कि राज्य की 55% पिछड़ी जातियों का अहित करने जा रही है। सरकार पिछड़ी जातियों का जो वर्तमान में आरक्षण है उसको शून्य करते हुए पंचायत चुनाव कराना चाहे, झारखंड राज्य की पिछड़ी जाति इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार के विरुद्ध, सरकार के निर्णय के विरुद्ध सड़क पर उतर के आंदोलन करने का काम करेगी। तो अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर के कुर्मी को यहाँ पर सदन के बाहर बैठे हुए, और साथ ही साथ 1932 का जो खतियान है उसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए 14 अप्रैल को यहाँ पर आजसू पार्टी के द्वारा जेल भरो आंदोलन भी किया जाना है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है 1932 के खतियान को लेकर के और कब तक ये लागू हो पाता है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।